अच्छा उन लोगों उन्होंने एक क्लास ली थी बस असाइनमेंट देने के लिए, एक क्लास सिर्फ असाइनमेंट है कि ये जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है आगे चल के कहीं काम आने वाली है, काम नहीं आएगी, पढ़ाई तो काम आएगी, टीचर पढ़ाए तो एक तरह से पास कर दिया जा रहा है हम लोग को, जैसे 8 क्लास के 7 क्लास का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग से पूछा जा रहा है। हम लोग कोरोना में ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा क्या थी, ऑनलाइन क्लासेस जो सबको दी जाती थी सर, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बहुत घोषणा दिया जाता था, ना कोई क्लासेस चलती थी, ना मतलब हम लोग को डिपार्टमेंट की क्लासेस चली है ना। हम लोगों को आप बताते हैं इंग्लिश के हम लोग एग्जाम थे, हम 10 तारीख से एग्जाम शुरू है 10 जनवरी से, 6 जनवरी को टीचर का मैसेज आता है बेटा ये असाइनमेंट बना लेना। अच्छा उन लोगों उन्होंने एक क्लास ली थी बस असाइनमेंट देने के लिए, एक क्लास सिर्फ असाइनमेंट देने के लिए। 5 तारीख को तो उन लोगों को स्टूडेंट की लिस्ट मिली थी कि स्टूडेंट कितने पढ़ने हैं। अच्छा मार्किंग क्या कर रहे हैं जो ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं, मार्किंग क्या किए हैं? मार्किंग बहुत कुछ में एवरेज की मार्किंग दी जा रही है, सबको एक ही नंबर दिया गया, 30-40 समझ लीजिए कि बस एक तरह से पास कर दिया जा रहा है हम लोग को, जैसे 8 क्लास के 7 क्लास का जो क्वेश्चन होता है वो हम लोग से पूछा जा रहा है। हम लोग पूछा गया इतना स्तर गिरा दिए, इतना लेवल गिरा दिए, 10 के 10 लाइन लिखी है और वैसे क्वेश्चन पूछकर हम लोग को 30-30 नंबर दिए जा रहे हैं, 70 पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हमसे हम लोग से। अच्छा आप लोग BHU में पढ़ रहे हैं, इतने बड़े NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आती है जी। आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है आगे चल के कहीं काम आने वाली है? काम नहीं आएगी, पढ़ाई तो काम आएगी, टीचर पढ़ाए तो ना, पर जो पढ़ा रहे हैं वो कहाँ काम आएगा सर, ये बस एक तरह से हम लोग को पास किए जा रहे हैं, एक तरह से मतलब हम लोग का साल काट रहे हैं, एक साल टीचर यहाँ बैठे, यहाँ पीछे हम लोग के टीचर बैठे हैं। सोशल साइंस फैकल्टीज हैं, क्या नाम है आपका? सूरज प्रकाश पांडे। सूरज प्रकाश पांडे आपका नाम? अंकित यादव। ये आपके डीन इस पे कोई एक्शन नहीं लिए क्योंकि क्लासेस नहीं चल रही है? हम लोग बात करने को तैयार नहीं है, दिन बात ही करने के लिए तैयार नहीं। जब दिन नहीं थे वो तब क्लास नहीं लेते थे। अच्छा अब तो और नहीं लेंगे, फर्स्ट ईयर के बच्चों को मिलते हैं पढ़ाने के लिए, उनका बस बिना फर्स्ट सेम पे धरना, 6 महीने फर्स्ट सेम में 1 या 1.5 महीने उन्होंने क्लासेज ली थी। अच्छा। सेकेंड सेमेस्टर का 2 महीना हम लोग का जनवरी फरवरी चला था, उसमें उन्होंने 3 दिन क्लासेज ली थी, उनका हर हफ्ते 3 दिन रहता है, हर वीक उनका 3 क्लासेज रहता, उन्होंने 2 महीने में 3 ली और ऑनलाइन क्लास के नाम पर तो कुछ नहीं लिया। ऑनलाइन क्लासेज फेसबुक पर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए हैं उन्होंने खूब पॉलिटी के माध्यम से कि पॉलिटिकल इंडिया क्या कंडीशन है, लेकिन हम लोग पढ़ाई को लेकर कभी नहीं बोला। अच्छा मतलब अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं सर, चला रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं पढ़ा पा रहे। फेसबुक जाकर देखिए फेसबुक पर उन्होंने क्या क्या वो बोलते रहते हैं। अच्छा मतलब ये बात है कि आपके प्रोफेसर फेसबुक पे ऑनलाइन आते हैं, ऐसे नहीं आते ऑनलाइन, इतना समय बर्बाद करते हैं बहुत कम, जैसे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट वो थोड़ी बहुत क्लासेस चलाते हैं। अच्छा बाकी के डिपार्टमेंट का पता तक नहीं रहता, उन्हें स्टूडेंट की लिस्ट तक नहीं मिली रहती। फेसबुक या डीन है सोशल साइंस फैकल्टी के के मिश्रा। तो दोस्तों ये है पूरा, तो आप लोग को कोई मिलने आया अभी तक? हम लोग को मिलने आया बस वो बस घोषणा देने के चले जा रहे हैं, विसी तरह नहीं रहे, बस अपने प्रतिनिधि रहेंगे विचार करने में। हम लोग एक सप्ताह से ज्यादा से हम लोग उन लोग को दे रहे हैं ज्ञापन, क्या रोज लड़के जाते हैं ज्ञापन देने के लिए। अच्छा तो इस धरने को मैं क्या बोलूं कि आप लोग समाप्त नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग हमेशा नाटक कर रहे हैं। अभी त्रिवेणी हॉस्टल की लड़कियों को आने नहीं दिया गया, यहाँ त्रिवेणी हॉस्टल लड़कियों को अंदर ही बंद कर दिया गया। अच्छा वहाँ पे बीसी आवाज के सामने भी नाकाबंदी पूरा कर दी गई है ताकि आप लोग वहाँ ना बैठ पाए, आगे अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो हम लोग वहाँ का भी घेराव करेंगे बीसी आवाज के, इसलिए वो पहले सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सभी को पहले ही ज्ञापन दे रखे हैं, हम लोग नोटिस भेजा जा चुका है, रिक्वेस्ट करने हम लोग खुद गए हैं वहाँ पर, कई लड़के हम लोग तरफ से गए, उन्होंने एक की भी बात नहीं मानी, वो कह रहे हम पहले हम लोग विचार करेंगे बाद में, अभी हम लोग धरना दिए यहाँ पे, कह रहे हैं कि हम 3-4 दिन तक विचार करेंगे, उसके बाद जो मीटिंग में फैसला आएगा वो बताया जाएगा। उनका कहना नाम है कोरोना है। आप बताइए जब 3rd ईयर के लिए लड़कों के लिए कोरोना नहीं है, हमारे लिए कोरोना होगा? पीछे यहाँ पर इतना जाम लगा हुआ है, पूरा मार्केट खुला हुआ है, ऐसे कोरोना नहीं फैल रहा है। इलेक्शन हो रहा है यहाँ पर, इलेक्शन हो रहा है, नया स्ट्रेन आया इंडिया में, नया स्ट्रेन आया, सारी दारू के ठेके तक खोल दिए गए हैं लेकिन विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा। हम लोग को जब ऐसे ही पढ़ना होता है तो प्राइवेट वाले बाजार की क्षमता है, 150 करोड़ का हम लोग का देश है, इनको सारी चीजें कम पड़ जा रही है यूनिवर्सिटी खोलने के लिए। मतलब हम लोग का 1.5 से 2 हजार लड़के तो हम लोग के रहते फर्स्ट और सेकंड ईयर से। अच्छा ये लाइब्रेरी में 600 सीट तो आपको ये वीसी कैसा लगा अपना? अरे वीसी हम लोग भटक गए हैं। या तो इन्हें सही से सूचना नहीं दी जाती या फिर ये सोचते हैं ज्यादा तो दिल्ली में ही रहते हैं, यहाँ रहते ही नहीं है। अच्छा इनका अटेंडेंस खुद ही कम है, ये क्या हम लोग से क्लास एक्सपेक्ट करते हैं? जी आना चाहिए, अभी तक खुद अटेंडेंस नहीं लगाते हैं। टीचर्स यहाँ पर आते हैं 1,20,000 की सैलरी उठाते हैं और चले जाते हैं। बहुत सही है।
चलिए आप लोग इसी चीज़ों से अड़े रहिए। 10 सितंबर से हम लोग को बोला गया था कि 10 सितंबर से हम लोग क्लासेज चलेंगे ऑनलाइन। ये नोटिस 28 सितंबर को आया था कि 10 सितंबर से आपकी क्लासेज चल रही है। टीचर से पूछा गया, बेटा हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, नोटिफिकेशन में लिख दिया जाता है लेकिन कुछ पता नहीं होता है। सोचिए, 10 सितंबर से क्लासेज चल रही है और 28 सितंबर को हम लोग को दिया जा रहा है डेट। नोटिस आ रहेगा 10 सितंबर से आपकी क्लासेज शुरू हुई है। 20 दिन पहले अगर क्लासेज शुरू हुई तो हम लोग को क्यों नहीं पता? 17 तारीख को भी अभी बोले थे कि खोल देंगे, उसके बाद भी नहीं हुआ। तो हम लोग के पास अभी 20 से 25 व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हर एक में टीचर जुड़े हैं, डीन खुद जुड़े हैं कितनों में, लेकिन डीन को कुछ मतलब नहीं रहता। डीन आपके फेसबुक चलाने में व्यस्त है? व्यस्त है, फेसबुक चलाने में। लॉकडाउन हो तो फेसबुक ही चलाते रहे, अपना पॉलिटिकल व्यूज देते रहते हैं फेसबुक पे। धन्यवाद पांडे जी और दोनों लोग हमसे जुड़ने के लिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है दोस्तों BHU गेट, और ये थे BHU के छात्र। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक फैकल्टी की समस्या है नहीं है, ये हर एक छात्र अगर जिससे मैं बात कराऊं आपको, वो यही क्यों बोल रहा है कि क्लासेस नहीं चल रही हैं, फैकल्टीज अच्छे से नहीं रन कर रहे हैं यहाँ।